हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है कीबोर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। मेरे पास है रियलम का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना होगा। एंड कीबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई सा भी है, जैसे आप कुछ टाइपिंग करते हैं तो लंबे लंबे डंडे टाइप कर जाते हैं एंड मतलब आपका रुक जाता है टाइपिंग करते समय। आप जब माइक में कुछ और बोलते हैं कुछ और आ जाता है, या फिर और ये उससे कई प्रॉब्लम होते हैं। पर कीबोर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ लिखता है, इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ लिखिएगा ये वाला ऑप्शन इस प्रकार से। तो आपको यहाँ लिखता है ऐप मैनेजमेंट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। और इसके बाद आपको यहाँ लिखता है, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड के ऐप का नाम है जीवर्ड, तो आपको यहाँ पे ढूंढेंगे वो, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिख जाएगा। और कीबोर्ड जैसा इंसान भी होगा उसमें एंड चित्र में, और इसके बाद जीवर्ड लिखा होगा तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखता है स्टोरेज यूज, आप इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से क्लियर डाटा कर देना और ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लियर डाटा हो गया। क्लियर डाटा करती है आपका जो भी प्रॉब्लम होता है कीवर्ड वो सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में कीवर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।